ओम शांति। आपका प्रश्न है भूख और अभाव ना सहन करके आत्महत्या करना और दूसरा तड़प तड़प कर शरीर छोड़ना कौन सा अच्छा है? पहली बात, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा, जैसे हुआ, जैसे हो रहा है, जैसे होगा वैसे ही होना है और अच्छा है। हर बात में कल्याण है। भूख और अभाव क्यों आया? उस आत्मा के अपने ही कर्मों का परिणाम है। और इसमें दुख या सुख की फीलिंग हर आत्मा अपने ही हिसाब से करती है। कोई कम दुखी होती है, कोई ज्यादा दुखी होती है, कईयों में सहन शक्ति बढ़ जाती है, कईयों में सहन शक्ति खत्म हो जाती है। चाहे सहन शक्ति बढ़े, चाहे सहन शक्ति खत्म हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब होना किस आधार पर है? उसके पार्ट के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से। अब उसका हिसाब किताब जहां पूरा हुआ, उसने उसी सेकंड शरीर छोड़ना है। वो एक सेकंड लेट नहीं होता और एक सेकंड पहले नहीं छोड़ सकता। वो अपने टाइम पर ही छोड़ेगा और छोड़ने का कारण भी उसके रोल में निश्चित है। एक्सीडेंट से छोड़ना है, बीमारी के कारण छोड़ना है, आत्महत्या करने के कारण छोड़ना है, या किसी ने मर्डर करना है, या किसी ने किसी और का मर्डर करना था कर उसका दिया, या कोई बीमारी के कारण शरीर छोड़ना है, बिना किसी बीमारी के भी। बात करते करते शरीर छोड़ देना, खाना खाते शरीर छोड़ देना है, चलते चलते शरीर छोड़ देना है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देना है। शरीर कैसे भी छूटे, जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सब अच्छा है, क्योंकि होना ही ऐसे था। इसलिए कहा गया होनी होकर रहे
अनहोनी ना होए। अनहोनी कभी नहीं होती, और होनी को कोई दुनिया की ताकत, स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकता। फिर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा। सब अच्छा है, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।